एसी बड़ा तेज चल रहा है यहाँ पे। ओहो, एसी तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। और ये तो यहाँ देखिए, अब हम चलने वाले हैं अंदर और चलते हैं और देखते हैं कैसा व्यू है अंदर का। यार बाहर से तो इतना प्यारा लग रहा है देखने में, और अब अंदर की बारी है। वाओ, कितना, मैं देख लूँ पहले, आप लोग बाद में देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये, वाओ कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मेरी आवाज ऐसे गूंज रही है जैसे लग रहा है मैं खुद ही मैं पर्दे पे हूँ। जाना था कहाँ और बैठे कहाँ। अब मैं थोड़ी देर चुप रहूंगी, अब मुझे चुप रहते हुए देखिए। अरे चुप रहते हुए देखिए तो भाग मत जाइएगा। अरे यार यहाँ लाइट कितनी बढ़िया लगी है ये देखिए ऊपर। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ की धमाकेदार चीज, और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए हम लोग आ चुके हैं छोटू महाराज सिनेमा हॉल में, और यूपी का पहला छोटा सिनेमा हॉल है ये, जो कि यूपी में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और यहाँ की जो बड़ाइयाँ हैं वो तो आपको मैं अंदर चल के दिखाती हूँ कि कैसी कैसी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि आपको बहुत खुश करके आप घर जाएंगे यहाँ से। जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में, इसको डोम कहते हैं, और ये इतना प्यारा लग रहा था। मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने देखा यार, मतलब दूर से ही देख के लग रहा था कि यार एक बार तो विजिट करना बनता ही है। लाइट साइट तो बड़ी बढ़िया लगा रखी है, और यहाँ पे देखिए पूरा गार्डन की व्यवस्था भी बड़ी बढ़िया, और डायनासोर भी है वहाँ पे छोटू सा। अरे खाने पीने की भी व्यवस्था है यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा खाने पीने की भी व्यवस्था है। और यहाँ पे देखिए आपको कॉर्न वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए इसकी भी पूछ लें पैसा वैसा कितना लगेगा, पता चले 1000 रुपये को तो मैं क्या करूँगी फिर। आइए चलिए चलते पहले पूछ लेते हैं कि क्या चीज़ की क्या प्राइस है, उसके बाद ही बोलेंगे ना खाने के लिए। यार ये तो मतलब दूर से ही देखने में कितना प्यारा सा लग रहा है, अलग सा दिख रहा है ये, दूर से भी आप देखोगे ना तो एकदम अलग सा दिख रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और नाम कितना बढ़िया है, छोटू महाराज। एक बात यहाँ की मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ पे ना टोटली फ्री है, अगर आप यहाँ पे कार वगैरह से आ रहे हैं या फिर स्कूटी बाइक किसी भी चीज़ से आ रहे हैं, उसको रखने के लिए बड़ा झमेला होता है भैया। आईपी मॉल ये सब कहीं भी जाइए आप, तो किसी भी मॉल में आप जाइए तो वहाँ पे कम से कम 50 से 60 रुपये आपका लगता है सिर्फ और सिर्फ बाइक और कार रखने का, और यहाँ पे ये चीज़ टोटली फ्री है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है, और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है हमको, हर तरफ पेड़ पौधे लगाइए, देश को बचाइए। लेकिन ये मजाक नहीं था, सच्ची में। आइए चलिए आपको इधर भी दिखाते हैं, जो कि मेरा फेवरेट चीज़ होता है, फूड जोन, खाने पीने की जगह जहाँ रहती है वहाँ मेरी फेवरेट रहती है वो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फूड जोन, जिसमें कि आप ढेर सारे स्नैक्स खा सकते हैं। और अभी तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए यहाँ का ये है फूड कोर्ट, जहाँ पे आपको स्नैक्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और बच्चों के लिए तो मन पसंदीदा चीज़ होती है कि हाँ, वह फेवरेट चीज़ होती है कि हाँ और स्नैक्स मिल जाए बस। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पे ठेका ठेका भी है यहाँ पे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है देशी शरबत, है यहाँ पे लिखा हुआ है देशी शरबत। आपको ठेका का मतलब वो मत समझ लीजिएगा जो आप समझ रहे हैं, आप मुझे सब पता है क्या समझते हैं आप सब लोग। तो यहाँ देखिए, यहाँ चटपट चाट भी मिलती है यहाँ पे, वाह। तो यहाँ पे अगर हम अभी खाएंगे गोलगप्पे, चाट, समोसे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। देखिए अगर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर की चीज़ों में ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको आसानी से यहाँ पे मिलेंगी। और आइए मूवी देखिए, और यहाँ पे खड़े होकर आराम से खाइए पीजिए। चटपट यहाँ का नाम है इस पर, यार मतलब ये फेवरेट है ना, चटपट बताना पड़ता है, मतलब लेडीज़ है ना तो मतलब ये ज़्यादा हाईलाइट हम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा खेलने के लिए, बच्चों के लिए भी इंतजाम है यहाँ पे। ये है, यहाँ पे बच्चे आते हैं और खेलने के लिए यहाँ के पैकेज वगैरह भी है शायद, मैं पता करती हूँ। तो यहाँ पे कोई है तो उनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में, और यहाँ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। आइए, तो भैया क्या प्राइस है यहाँ पे, मतलब अगर कोई बच्चा चाह रहा है खेलने के लिए कुछ? ये हमारे यहाँ कॉम्बो चलता है ऑफर में। अच्छा अच्छा, कॉम्बो चलता है ऑफर में। अगर आपकी जितनी जैसे जैसे जिस हिसाब से आपके किड्स रहेंगे, जैसे एक किड्स है, अच्छा अच्छा, एक बच्चे का 6 राइड रहेगा 200 में।
अच्छा 6 साइड रहेगा 200 में। हाँ। तो ये देखिए यहाँ का ये है प्ले जोन और यहाँ पे बच्चे कर सकते हैं फुल मस्ती। आप अगर बच्चों के साथ आते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि बच्चों को आधा घंटा एक घंटे खेलने दें, तो यहाँ पे आइए और आपको ये मिल जाएगा, पैकेज ही मिल जाएगा। पैकेज तो हमने पहली बार सुना है कि 1 आवर और 1/2 आवर का आपको पैकेज मिलेगा, मतलब ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं सुना, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ सुना। और ये बहुत ही बेस्ट चीज़ मुझे लगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि बच्चों के लिए तो मेन इंटरटेनमेंट यही सबसे होता है, यही सब देख के रोने गाने लगते हैं। और ये देखिए यहाँ पे है जंपिंग, तो यहाँ पे बच्चे आपके जंपिंग कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा लाडला जंपिंग कर रहा है यहाँ पे, इतना शैतानी करता है, इसको पैक कर दिया है यहाँ पे एक घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रेन, तो क्या मैं बैठ सकती हूँ यार? ट्रेन में बैठे बहुत दिन हो गए मुझे, बाहर गए हुए ट्रेन में बैठ के, तो मुझे ट्रेन में बैठना है। तो ये ट्रेन में क्या हम लोग बैठ सकते हैं? हम बैठ सकते हैं, जाना था कहाँ और बैठे कहाँ है। चलो कम से कम ट्रेन में तो बैठ गए, तो क्या हो गया वो वाली ट्रेन में बैठे, ये वाली ट्रेन में बैठ गए। बाय बाय दादा, मिलते हैं फिर कभी। और पर रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे है रेस्टोरेंट, आप देख लीजिए। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको खाने पीने की भी व्यवस्था अच्छी खासी मिल जाएगी। तो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे इस समय बॉक्स ऑफिस, और चलिए चलते हैं बुक करते हैं अपना शो। ऐसा तो नहीं कि सारी टिकट्स बुक हो गई हो, तो चलिए चलते हैं पहले अपना यहाँ पे टिकट बुक करा लेते हैं और आपको बताते हैं कि कितना प्राइस है यहाँ पे आने का, और मतलब कितना प्राइस लगेगा आपको पिक्चर देखने का यहाँ पे। तो यहाँ पे यार प्राइस तो बहुत ही कम है, 200 रुपीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राइस 200 है ना। हमको लगा कहीं धोखा तो नहीं, टी शर्ट तो बड़ी बढ़िया लग रही है आपकी, छोटू महाराज लिखा हुआ है इस पे, वाह। एक हमें भी मिलेगी क्या टी शर्ट? वाह क्या बात है, बड़ा दिल है आपका, थैंक यू सो मच। तो यहाँ देखिए, अरे यार खाने पीने की चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए आपको पंजाबी समोसा कॉम्बो मिल जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ 119 में है, जिसमें आपको क्या क्या है, एक कोल्ड ड्रिंक है, पॉपकॉर्न है और 2 समोसे मिल जाएंगे। यार ये तो गड़ा गजब का है, टीवी के साथ यार खाने पीने की व्यवस्था होनी ज़रूरी है। तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा और सिर्फ 200 में आपको यहाँ की बुकिंग मिल जाएगी। आप आइए आराम से मूवी देखिए और ये कॉम्बो बुक कराइए और आराम से खाइए और मूवी देखिए, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे जब मूवी चल रही है अभी शायद, और उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही है, मतलब इतनी अच्छी लग रही है, तो अंदर से क्या होगा। तो चलिए चलते हैं, अब आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाई ही दे यहाँ का। तो चलिए चलते हैं अब छोटू मॉल के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे टिकट तो मिल चुकी है हम लोग को, अब चलते हैं अंदर का व्यू देखते हैं और ये देखते हैं कि मतलब हमेशा नई मूवी देखते हैं कि हमेशा धर्मेंद्र की भी दिखाई जाएगी। आइए चले चलते हैं, एसी बड़ा तेज चल रहा है यहाँ पे। ओहो एसी तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, और ये रेड रेड कारपेट, यहाँ की सफाई वगैरह भी बड़ी अच्छी है और रेड रेड कारपेट, और ये लगी है देखिए यहाँ पे मूवी लगी हुई है एक विलन ब्रिटेन, और एक तरफ आप इस तरफ आप देखेंगे तो ये कौन सी मूवी है, यहाँ पे भी कोई मूवी लगी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे है कॉम्बो, आपको यहाँ पे कॉम्बो भी मिल सकती है और खाने पीने की व्यवस्था अच्छी खासी। यार आना तो ढेर सारा खाना, देखते हैं कि यहाँ पे हमेशा नई मूवी लगती है या पुरानी। भैया से पूछे क्या एक बार, आई तो भैया नई मूवी लगती है कि मतलब नहीं, अगर हमें राजेश खन्ना की देखनी होता तो अच्छा। आपको एक बात मैं यहाँ बता दूँ मेन, कि यहाँ पे ये है कि अगर जैसे कि आप कोई मूवी रिलीज होती है तो लगती है यहाँ पे, पहले आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पुरानी मूवी आपको दिखाई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो थिएटर में आप बाहर देखते हैं वही मूवी आपको यहाँ पे भी दिखाई जाएगी। इतनी देर से बोल बोल के अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी। इतना बुलवाते हैं आप लोग और फिर कहते हैं कि कितना बोलती हो तुम। आप ही लोग शिकायत करते हैं कितना बोलती हो, तो क्या करें, बोलना नहीं पड़ेगा, बोलूंगी तो पता कैसे चलेगा। अब मैं थोड़ी देर चुप रहूंगी, अब मुझे चुप रहते हुए देखिए, अरे चुप रहते हुए देखिए तो भाग मत जाइएगा। अरे यार यहाँ लाइट कितनी बढ़िया लगी है, ये देखिए ऊपर कितनी बढ़िया लाइट लगी है। अरे वाओ यहाँ पे देखिए छोटू महाराज सिनेमा कैफे, वाओ इन योर हैप्पीनेस रियलाइज अवर हैप्पीनेस, वाह बड़ा ही बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये रेड रेड जो दिख रहा है ना, ये तो मतलब गजब का लग रहा है। और एसी भी बड़ी बढ़िया चल रही है, मुझे तो नींद भी आ रही है अब।
तो यहाँ देखिए अब हम चलने वाले हैं अंदर और चलते हैं और देखते हैं कैसा व्यू है अंदर का। यार बाहर से तो इतना प्यारा लग रहा है देखने में, और अब अंदर की बारी है। वाओ कितना, मैं देख लूँ पहले, आप लोग बाद में देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये, वाओ कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में, और मेरी आवाज भी गूंज रही है यहाँ पे। और चारों तरफ आप देखेंगे कि लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मेरी आवाज ऐसे गूंज रही है जैसे लग रहा है मैं खुद ही मैं पर्दे पे हूँ। और यहाँ पे आप चेयर्स देखिए, कितनी बढ़िया सारी चीजें, और एसी तो मतलब चिल्ड एसी चल रहा है यहाँ पे, इतना ज्यादा एसी मतलब लग रहा है। आगे बड़ा अच्छा फील हो रहा है यार, बाहर से आ रहे हो, धूप से आ रहे हो, तो मतलब एसी मिल जाए तो क्या ही चाहिए। और यार ये ऊपर का डेकोरेशन देखिए, मतलब वाकई में फील आ रहा है कि मतलब कहीं आए हैं वाकई में। वैसे तो सिनेमा हॉल में जाओ तो अंधेरा रहता ही है, बस वापस जाते समय हल्का हल्का लाइट जलती है, और यहाँ पे देखा आपने कि कितना बढ़िया। बैठ के देखा, वाह यहाँ से हम बैठ के देखेंगे टीवी, आई मीन मूवी यार। और यार ये स्क्रीन आप यहाँ पे देखेंगे, हाँ ये नीचे हो जाती है। और यहाँ पे देखेंगे आपने, आपने अभी तक जो पर्दे देखे होंगे, आप जब कभी मूवी देखने गए होंगे तो वो पूरे फ्लैट होते हैं, और यहाँ पे आप यार ये ब्लिंक कर रहे थे अचानक से, क्या हुआ ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये भी देखने में, ये ब्लिंक कर रहा है तो और भी माहौल बन रहा है यहाँ का। और ये रेड रेड तो मतलब क्या ही बोला जाए। और अभी मैं आपसे क्या बता रही थी, मैं आपको बता रही थी कि जब भी आप किसी मॉल में जाते हो तो आपने वहाँ पे जो भी पर्दे देखे होंगे वो पूरा फ्लैट रहता है, और यहाँ पे ना मैं जल्दी बोल रही हूँ क्या, बहुत तो यहाँ पे जो आपको मैं पर्दा दिखा रही हूँ वो जो है पूरा कर्व में है, चाहे आप आगे बैठ के मूवी देखिए और चाहे पीछे देखिए, प्राइस सेम है और क्वालिटी भी सेम आएगी, ऐसा नहीं कि आपको कुछ ख़राब लगेगा। और ये पर्दा शायद आपको छोटा लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये पूरा पूरा बहुत बढ़िया है और बहुत बड़ा पर्दा है ये। ये देखिए यहाँ पे मेरी मूवी स्टार्ट, वाओ ऐसे केस में बोलना बहुत मुश्किल होता है। मार के पर मैं उठता रहूंगा आखिरी सांस तक। और यहाँ पे जो साउंड इफेक्शन लगवाया गया है वो है डॉल्बी एटमॉस का, और जो कि चारों तरफ से आ रहा है और बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मतलब इवन एक घोड़े के दौड़ने की आवाज़ भी है ना, वो भी मतलब अलग अलग उससे आ रहा है, और वो गजब का लग रहा है। और ये कहीं भी बनारस में नहीं है, ये सुन के तो और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कई जगह पर यहाँ पर जा चुकी हूँ, कई बार हम लोग आए हैं तो हम लोग यहाँ पर गए हुए हैं देखने के लिए मूवी, तो लेकिन इस तरह का तो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जो आज मैंने एक्सपीरियंस किया ना, वो तो नेक्स्ट लेवल है। वाओ वाकई में बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। ये देखा आपने कितनी बढ़िया लग रही थी देखने में ये, और जो कर्व था ना मतलब उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और था। मैं जैसा कि आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा मेरे साथ अभी, जो कि बड़ा ही औसम लग रहा था, मतलब मेरी तो निगाह ही नहीं हट रही थी वहां से। तो चलिए चलते हैं बाहर और कुछ खाते पीते हैं, चलो चलो बस क्या है। तो यहाँ देखा ना आपने, मैंने आपको दिखाया कितना बढ़िया हॉल है और कितना अच्छा साउंड इफेक्शन था। तो मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देती हूँ अभी कि यहाँ की अगर आपको टिकट बुक करनी है तो वो आप पेटीएम और बुक माई शो पे जाके कर सकते हैं। और भैया जल्दी जल्दी बुक करवा लीजिए, केवल 100 सीट है, क्योंकि और अंदर का जो तो मैंने आपको सारा चीज़ दिखाई दिया है कि मतलब कितना बढ़िया है। और अब और हाँ, और यहाँ पर आपको कॉम्बो पैक मिलेगा पंजाबी समोसा करके, वो ज़रूर ले लिया, जिसमें आपको दो समोसे और कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न भी मिल जाएंगे, और समोसे तो मतलब मेरे फेवरेट ही हैं। तो चलिए चलते हैं, अब आपको बाहर लेके चलते हैं और यहाँ का फूड कॉर्नर कुछ खाते पीते हैं, आइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है एक कप केक है और एक हमने राज कचौड़ी, और देखिए कितना बढ़िया से डेकोरेशन करके दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अनार भी है यहाँ पे, देखने में तो बहुत यमी लग रहा है, खा के भी देखते हैं। अरे क्यों नहीं टूट रहा ये, आई ओ यार कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाऊं कैसे बट। हम्म,
ये जो है ना बहुत टेस्टी है। अभी मैंने मोमोज भी ऑर्डर किए हैं, वो भी आ जाएगा और मैं अभी ये सब खाऊंगी। और अब इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया हो। ये उड़ ना जाए, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारा सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय।